नमस्कार, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की फसल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों के बारे में। अश्वगंधा की फसल पर काली व हरी मक्खियों के हमले का खतरा अक्सर बना रहता है। ये आकार में काफी छोटी होती हैं। काली और हरी मक्खियाँ फसल पर बहुत तेजी से अपना प्रकोप फैलाती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फसल पर 0.5% मेलाथियोन और कैल्थेन के 0.3% के घोल का छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करें। किसान मित्रों, अगर अश्वगंधा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों की बात करें तो इस पर शाख के केचुआ और जूं का हमला होता है। केचुआ की रोकथाम के लिए सुमिसिडिन 10 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, जबकि फसल पर जैसे ही जूं का हमला दिखे तो इसकी रोकथाम के लिए इथियोन 10 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर स्प्रे करें। किसान मित्रों, अश्वगंधा की फसल पर विभिन्न रोगों के प्रकोप का भी खतरा बना रहता है। इस फसल पर नए पौधों का गलन और झुलसा रोग जैसी बीमारियां देखी जा सकती हैं। नए पौधों का गलना और मुरझाना यह बीमारी कीटों और नीम तोड़ के कारण होती है, जो बीजों और नए पौधों को नष्ट कर देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए बीमारी रहित बीज और नीम का प्रयोग किया जा सकता है। अश्वगंधा के पत्तों पर अक्सर धब्बे देखने को भी मिलते हैं। यह बीमारी फंगस, विषाणु और रोगाणु के कारण फैलती है, जिससे पत्तों पर बेरंग धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बिजाई के 30 दिनों के बाद 3 ग्राम डाइथेन M45 को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके बावजूद भी यदि बीमारी के प्रभाव में कमी ना आए तो 15 दिनों के फासले पर दोबारा स्प्रे करें। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।